और अगर वो कहीं समझें कि किसी हलके में इलेक्शन फेयर नहीं हुआ तो उस हलके के इलेक्शन को वो समरी इंक्वायरी के ज़रिए से सेट असाइड कर सकते हैं और वो इलेक्शन ख़त्म किया जा सकता है। ये पहला कानूनी फोरम है। दूसरा आइनी फोरम है कि जो इल्ज़ामात आए हैं इन लोगों के सामने उनकी बुनियाद के ऊपर इन इल्ज़ामात पे मबनी जो मुतलका स्पीकर है वो रेफरेंस भेज सकता है न्यायालय का। और तीसरा ये है कि इन इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर जो एहतसाब का इदारा है वो भी कार्रवाई कर सकता है और इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी किया जा सकता है। एक और सवाल है जो कल से गर्दिश कर रहा है कि क्या ये जो मेंबर्स अगर नाएल किए जाएं तो उसका नतीजा सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस जो हुए हैं उनके ऊपर क्या होगा। एक, अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट देने वालों की खरीदो फरोख्त साबित हो जाए तो फिर आईन के आर्टिकल 218(3) के नीचे जहां लिखा हुआ है कि जो भी इंतखाब होगा फेयर होगा, फ्री होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और इन अकॉर्डिंग विद लॉ होगा, वो इलेक्शन भी नलीफाई हो सकता है। लेकिन उन अरकान की हद तक जिन अरकान को ये वोट मिले हैं। तीसरी बात कि क्या इसका असर जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन हैं सेनेट के अंदर उनके ऊपर भी हो सकता है। ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को वोट खरीद करके मेंबर बनवाया गया अगर उनकी तादाद में रद्दोबदल होता है तो फिर असर हो सकता है सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के ऊपर भी। सेनेट में वैसे भी एक सारी पिछली रिवायात के खिलाफ एक काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे जो दूसरी मेजॉरिटी पार्टी है सेनेट में अपोजिशन में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा चेयरमैन सेनेट ने नहीं दिया। अब अमली तौर पे ये हो गया कि जिस पार्टी का चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन साहब हैं उसी पार्टी का नीचे, यानी एक तरफ वो वहाँ पे बैठे हुए हैं इख्तियार में और दूसरी तरफ वो बैठे हुए हैं अपोजिशन में। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कल फैसला हुआ है इसके हवाले से जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब से भी कुछ लोगों ने अपने वोट और अपने ज़मीर को बेचा है और उन्होंने पार्टी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो उनको किसने रोका है। ये तो सारे लोग जिनके इंतखाबात पे ये सवाल उठा है अब इमरान खान के इस फैसले के बाद उनको चाहिए कि अपनी पोजीशन वादे करें, उनको चाहिए कि अपनी पार्टी के अंदर वो ख़ुद इंटरनल तफ्तीश करके फौरी तौर पे जिन लोगों ने ज़मीर बेचा या वोट बेचा है उनको पार्टियों से निकालें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहने लगा हूँ कि इस वक्त ये बज़ाहिर खदशा मौजूद है और लोग कह भी रहे हैं कि गवर्नमेंट जा सकती है, तो जहाँ स्टेटस को तोड़ने का सवाल आया पीटीआई ने और इमरान खान ने अपने एजेंडे से इनराफ नहीं किया और इदारों की हुरमत को बालातर रखा और हुकूमत आने या जाने को उससे कमतर दर्जे पर रख के सोचा और कल का फैसला किया। मेरे ख्याल में इस फैसले से जो पाकिस्तान के जमहूरी इदारे हैं उनमें वोट देने वाले जो वोटर है उसकी इज्जत पहली दफ़ा बहाल हुई है। डॉक्टर साहब, एक मासूमाना सवाल है आपसे कि इमरान खान ने वोट बेचने वालों का तो नाम लिया, वोट खरीदने वालों का नाम क्यों नहीं लिया? सोमरो साहेब